हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है, लेनोवो जी सीरीज है, G5070 ये मॉडल होता है। मॉडल हम कहाँ से देखते हैं वही बैक में हम आपको और वीडियो में बताते हैं कि बैक साइड पे ये हमारा मॉडल लिखा रहता है, G5080 मॉडल है ये। तो अब हम इसकी बात करते हैं लैपटॉप की प्रॉब्लम की। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे और बेटर कर सकते हैं आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग कि हम क्या आपके लिए क्या वीडियो बना सकते हैं। इस टाइप आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ये विषय कि हम किस विषय पर वीडियो बना सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम की यदि हम बात करें इसमें, उससे पहले हम इसके परफॉर्मेंस की बात करते हैं मशीन के कि ये मशीन कैसी होती है। ये मशीन का जो साल है, साल ये है 2000, ये मेरे हिसाब से आपके हुए 2012-13 में ये मशीन आई थी और आज भी ये मशीन परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छी है। इसकी स्पीड जो है और इसका परफॉर्मेंस, हार्डवेयर की यदि हम बात करें, लैपटॉप का मदरबोर्ड बहुत ही कम खराब होता है। डिजाइन इसका जो ये इसमें किया गया था, ये थोड़ा सा बस इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी, हमारा बेस वगैरह जल्दी टूट जाता था इसका। ये थोड़ा जब ये इसको स्लिम किया तो उसमें ये मैन्युफैक्चर रहा है, अदरवाइज और इसमें किसी भी प्रकार की इस मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है लेनोवो की, G5070 हुई, G5080 हुई, कोई भी मशीन आप ले लो सेम यही आएगी। 14 इंच में भी ये आती है, वो 5040 मॉडल होता है, और ये 15 इंच में भी मशीन आई है। ये ग्राफिक के साथ है, इसमें AMD का रेडियन ग्राफिक, 2GB का ग्राफिक कार्ड लगा होता है। इस पे हम ग्राफिक वगैरह का भी अपना छोटा मोटा काम कर सकते हैं, लाइक ऑटो कैड वगैरह चला लिया, 3D Max भी थोड़ा बहुत चला देगा, आपका कोरल वगैरह का भी काम कर देगा, और नॉर्मल जो बेसिक ग्राफिक वाले गेम होते हैं आप उस पे वो भी खेल सकते हैं। तो ये बात रही परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस तो हमने आपको बता ही दिया, हार्ड डिस्क है, थोड़ा स्लो होता है, पर उस टाइम पे जब ये मशीन आई थी और आज भी यदि हम इसको यूज कर रहे हैं, किसी के पास ये मशीन है तो आप उससे एक्सपीरियंस अपना पूछना, बहुत ही अच्छी मशीन है। तो इसको यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की तो आप दिखा सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय ना करें, मशीन बहुत अच्छी है ओवरऑल यदि हम बात करें। अब हम बात करते हैं इस मशीन के प्रॉब्लम की कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। मशीन हमारी परफेक्ट चल रही है और जैसा कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ, हार्डवेयर का इशू जैसे मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, डेड होना, नो डिस्प्ले होना, हैंग होना, इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम इस मशीन में बहुत ही कम देखने को मिलती है, ना के बराबर ही आती है। मान के चलो ये 100 लैपटॉप हमारे पास आते हैं तो किसी में 90 लैपटॉप ऐसे जाते हैं जिसमें कोई हार्डवेयर का इशू नहीं होता है। वैसे इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह का हो तो थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीजें वो हो सकती है। तो हम इसमें आप देखा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम इसके कीबोर्ड में है, इसकी कीबोर्ड की कुछ की काम नहीं करती है, वो हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी कीबोर्ड की काम नहीं करती है। कंट्रोल काम नहीं करता है इसका, ना ये वाला कंट्रोल काम करता है, ये उखड़ी हुई भी है की। तो इस प्रकार इसमें हमारे कीबोर्ड की प्रॉब्लम है, कंट्रोल और शिफ्ट इसके, सॉरी कंट्रोल इसका काम नहीं करता और आल्ट काम नहीं करता है, तो दो की काम नहीं कर रही है। उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ भी लोग बोलते हैं कीबोर्ड रिपेयर हो जाते हैं, कीबोर्ड रिपेयर नहीं होते हैं, कीबोर्ड चेंज करने पड़ते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं इसका कीबोर्ड कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम अपने लैपटॉप को शट डाउन करेंगे। चलती हुई मशीन में हमें ना तो कोई भी अपना पार्ट लगाना चाहिए, कोई रैम, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सब चीज हमें चलती हुई मशीन में नहीं लगानी चाहिए। मशीन को पहले सबसे पहले शट डाउन करना चाहिए। शट डाउन करने के बाद जब मशीन शट डाउन हो जाए तो उसकी बैटरी को अनप्लग कर देना चाहिए। बैटरी लगे लगे पे भी हमें ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है हमारी मशीन में पावर सर्कुलेट होती रहती है, जो हम लगाते हैं उल्टा सीधा यदि कोई भी कनेक्टर लग गया तो हमारे मशीन को खराब होने का चांस रहता है, शॉर्ट वगैरह कुछ होने का चांस रहता है। और एक बात और हम इस मशीन में जोड़ते हुए चलें कि यदि ये मशीन आपके पास है और स्लो परफॉर्मेंस कर रही है तो इसमें आप SSD अपग्रेड करा सकते हैं। SSD से क्या होता है, हमारी मशीन की स्पीड फास्ट हो जाती है। जैसा कि आजकल विंडो 10 आ रखी है तो हमारी मशीन थोड़ा स्लो परफॉर्मेंस करती है, उस कंडीशन में आप SSD लगा के अपनी मशीन को भी दुरुस्त रख सकते हैं। बैटरी हटाने के बाद हम ये स्क्रू खोलते हैं। इस कवर के नीचे भी हमारे 2-3 स्क्रू होते हैं जो कीबोर्ड में फिट होते हैं। जैसा कि आप देखोगे इस लैपटॉप में भी SSD लगी हुई है और मशीन बहुत फास्ट चलेगी ये। तो ये 2-4 जो स्क्रू होते हैं कीबोर्ड वाले वो हमें इसमें, फिर हम कीबोर्ड को हटाते हैं। उसके लिए हमें कोई ऐसा पतला सा आइटम चाहिए जिसको हम देखे कीबोर्ड को ऊपर की तरफ जो लॉकिंग होती है वो लॉकिंग खोल दें। ये हमारे लॉक निकल गए, ये वाला कीबोर्ड हमने बाहर निकाल दिया है पुराना, और नया कीबोर्ड हम इसमें फिट कर रहे हैं। ये देखोगे आप पूरा प्रॉपर न्यू कीबोर्ड है। यदि आपको किसी भी सामान की जरूरत हो
लेनोवो, डेल, एचपी, किसी भी प्रकार की कंपनी का कोई भी लैपटॉप हो तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर्स हर प्रकार के जेन्युइन पार्ट रखते हैं लैपटॉप के और वारंटी के साथ सामान देते हैं और रिपेयरिंग का भी आपका कोई भी काम हो और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो रिपेयरिंग के काम में आपको, तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर्स एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है दिल्ली NCR का। जब हम लगा के किसी सामान को चेक करते हैं तो हमें बैटरी पे भी नहीं, वो भी नहीं करना चाहिए, चार्जर पे करना चाहिए। इसका कारण भी हम आपको बताते हुए चलते हैं। इसका कारण होता है कि हमारी कोई की, जैसा कि हमने इसमें लगाया है, कोई पिन उल्टी टेढ़ी मेढ़ी रह जाए तो हमारे शॉर्ट ना होने का चांस रहता है। चार्जर से यदि हम ऑन करेंगे तो हमारी मशीन ऑन नहीं होगी। यदि हम यही काम बैटरी से ऑन करते हैं, लगा के बैटरी से ऑन करते हैं, तो हमारी मशीन ऑन हो जाएगी और कहीं पे भी शॉर्टिंग पैदा कर सकती है। तो इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए कि बैटरी लगा के चेक करें। जब हम टेस्टिंग मोड में हो तो हमेशा चार्जर यूज करें। ये हमने ऑन कर दिया है। यदि मान के चलो हम इसको सही नहीं लगता हमारा कीबोर्ड और हम इसको बैटरी से ऑन करते तो हमारी मशीन चांस होने, खराब होने का 101% चांस होता है। यदि हम चार्जर से ऑन कर रहे हैं तो मान लिया कोई दिक्कत है तो हमारी मशीन ऑन नहीं होगी। चार्जर में एक कैपेसिटी होती है कि वो ऑन नहीं करेगा मशीन को, कहीं भी शॉर्टिंग होगी तो। हम अपना कीबोर्ड चेक करते हैं कि हमारे कीबोर्ड की जो की है वो काम कर रही है परफेक्ट तरीके से या नहीं। कंट्रोल ए करके देखते हैं हम इसको, कंट्रोल ए, अब हमारा देखो सेलेक्ट हो रहा है। कंट्रोल ए करके हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे कंट्रोल दोनों चल रहे हैं। कंट्रोल ए हो रहा है ना, हो रहा है, तो हमारी की अब पूरी परफेक्ट चलनी शुरू हो गई है। तो हमने इसका कीबोर्ड चेंज कर दिया है और मशीन के बारे में भी हमने आपको बता दिया है कि ये मशीन कैसी होती है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और अंत में हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।